प्रिय बच्चों, अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। पठन का पहला प्रश्न, दिए गए चित्र से संबंधित तीन शब्द लिखिए। आपको इस चित्र को देखना है और इनसे संबंधित तीन शब्द अपनी कॉपी में लिखनी है। दूसरा प्रश्न, आपके विचार में ऊपर दिखाए गए चित्र में क्या हो रहा है? तो आपको यह चित्र देखना है और अपने विचार लिखने हैं कि इस चित्र में क्या क्या हो रहा है। प्रश्न तीन, कहानी ऐसा होता मेरा विद्यालय में आपको सबसे अच्छा चित्र कौन सा लगा और वो क्यों लगा? तो आपको अपनी कॉपी में क्या करना है, कहानी के पृष्ठ में जाना है और वहाँ दिए गए चित्र को ध्यान से देखना है और उसमें से चुनना है कि आपको सबसे अच्छा चित्र कौन सा लगा और वो क्यों लगा, उसका कारण भी आपको अपने कॉपी में लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको चित्र एक, चित्र दो, चित्र तीन और चित्र चार दिखा रही हूँ। चित्र एक में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चित्र दो में बच्चे स्कूल में खेल रहे हैं, चित्र तीन में बच्चे शिक्षिका के साथ पढ़ भी रहे हैं और बतख के साथ कुछ खेल भी रहे हैं, और चौथे चित्र में शिक्षिका और बच्चे कुछ गतिविधि कर रहे हैं। तो आपको इन चारों चित्रों को देखना है और बताना है कि क्यों आपको ये चित्र और वो कौन सा चित्र था जो सबसे ज़्यादा पसंद आया। अब चलते हैं शब्द ज्ञान में। चौथा प्रश्न, कहानी में आए शब्दों की सहायता से आप से अपने वाक्य बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको क्या करना है, इन शब्दों को पढ़ना है और उसके बाद इन शब्दों से वाक्य बनाना है। जैसे चित्र, तो मुझे मछली का चित्र बहुत पसंद है। तो ऐसे ही आपको दिन भर, प्रिय, तालाब, बांसुरी, वर्दी शब्दों से वाक्य बनाने हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब चलते हैं व्याकरण में। प्रश्न पाँच, संज्ञा के भेदों व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा के आधार पर उन शब्दों पर गोला लगाइए जो बाकी शब्दों से अलग है। तो आपको क्या करना है, किताब, नोकिया, फोन, बकरी, बादाम, थकान, आलस, हरियाणा, राजस्थान, गांव, इन तीनों शब्दों को आपको पढ़ना है और इसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक शब्दों को ध्यान से खोजना है और इनमें से जो आपको लग रहा है कि वो अलग है उस पर आपको गोला लगाना है। तो जैसे हरियाणा, राजस्थान और गांव, तो इसमें गांव जो है वो बाकी से अलग है। प्रश्न छः, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों के दो दो उदाहरण लिखिए। पिछली वीडियो में हमने आपसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों पर बातचीत की और कुछ उदाहरण से हमने उस पर बातचीत की थी। तो आप उस वीडियो को देखें और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर सात, दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए। आपको क्या करना है, यहाँ पे संज्ञा शब्द दिए हैं, कुतुब मीनार, पर्वत, मिठास, और आपको इससे वाक्य बनाना है। अब चलते हैं अगले पृष्ठ पर। श्रवण और वाचन, अपने दोस्त को बताइए कि आपको अपने विद्यालय में कौन कौन से स्थान सबसे ज्यादा पसंद है और वो क्यों। अपने दोस्त से भी विद्यालय में उसके पसंदीदा स्थानों के बारे में आप पूछिए। लेखन, दी गई तालिका को भरिए। यहाँ पे क्या तालिका दी है, जिसमें एक शेखर है और एक मीना का चित्र दिया है, दोनों ही बहुत खुश दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इनकी पसंद, नापसंद और एक इच्छा को यहाँ पर लिखना है। प्रश्न नंबर 10, ऐसे एक एक काम के बारे में बताइए जिसे करना आपको पसंद है और जिसे करना आपको पसंद नहीं है। दोनों के बारे में एक एक वाक्य लिखिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में हमें बताइए लिखकर कि आपको क्या एक चीज ऐसी है जो पसंद है और क्या एक ऐसी चीज है जो ना पसंद है। तो अगली वीडियो के लिए हमारा इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।